बिहार की सभी 40 सीटों पर मतगणना की तैयारी हो चुकी है और इस वक्त हम पटना में हैं, पटना के एन कॉलेज सेंटर पर हैं, जहां पर पाटलिपुत्र और पटना साहिब की मतगणना का केंद्र बनाया गया है, स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहां पर कल सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद जैसा कि चुनाव आयोग ने बताया है कि 9 बजे से पहली रुझान सामने आने शुरू हो जाएगी। हालांकि इस बार कुछ तब्दीलियाँ की गई है, जैसे कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं इस बार ऐप्स के माध्यम से उनकी वोटिंग हुई है और उनका जो मतदान मतगणना जो होगा वो बाद में होगा। इसके अलावा वीवीपैट से की पर्ची से जो मिलान करने की प्रक्रिया है उसके चलते भी थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि जो रुझान है और जो पब्लिक इंटरेस्ट की बातें हैं वो पहले आ जाएंगी, लेकिन जो चुनाव में जो उम्मीदवारों की जीत की जो सर्टिफिकेट दी जाती है या फिर उनकी जो घोषणा आधिकारिक तौर पर होती है उसे होने में थोड़ा विलंब हो जाएगा, 8 भी बज सकते हैं और यदि कुछ शिकायतें मिलती हैं तो उनका भी निराकरण तुरंत किया जाएगा। आपको बता दें कि एन कॉलेज में पटना साहिब और पाटलिपुत्र दो संसदीय क्षेत्रों का यहाँ मतगणना का काम होगा और सिर्फ उन्हीं लोगों को इस गेट के अंदर जाने की इजाज़त दी गई है जिनके पास निर्वाचन आयोग का या फिर जिला प्रशासन का पास दिया जाएगा और उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। तमाम लोगों की ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और तमाम लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई है। पूरे मतगणना के जो प्रोसेस है उसका CCTV से मॉनिटरिंग किया जाएगा, निगरानी किया जाएगा और सुरक्षा को लेकर काफ़ी एहतियात सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ताकि सुरक्षा के में कोई भी लापरवाही सामने नहीं आए और यही वजह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब कुछ घंटे रह गए हैं और यहाँ से अभी जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट है वो साफ तौर पर आप देख रहे हैं। बाहरी में जहाँ पे BMP के और STF के जवानों को लगाया गया है, वहीं EVM जहाँ जिस स्ट्रॉन्ग रूम में रखे गए हैं वहाँ पर CRPF को लगाया गया है। तैयारियां हो चुकी हैं, अधिकारियों का दावा है कि कल सुबह 8 बजे से मतदान के मतगणना का प्रक्रिया शुरू होगा और पहली जो रुझान है वो 9 बजे हमें मिल सकता है। कैमरा विश्वनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ रिपोर्ट।